हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 13 का पार्ट 4 ले रहे हैं। लास्ट में हमने एडेप्टेशंस पढ़े थे, तो वैसे ये पार्ट 4 में बेटा आज का हम सिर्फ टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज दी पॉपुलेशन। पॉपुलेशंस किस तरह से बढ़ रही है, क्या उनका रेट है, वो सब कुछ आज हम पॉपुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में बेटा पॉपुलेशन होता क्या है। पॉपुलेशन एक ऐसा होता है कि जो सेट ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी स्पीसीज के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं, दैट इज अ सेट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज, जो हमें प्रॉपर एरिया में, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में हमें देखने को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज पॉपुलेशन। सपोज गांधीनगर है, ठीक है, इस गांधीनगर में स्पीसीज कौन हम ले रहे हैं, सिर्फ होमोसेपियन ले रहे हैं, ठीक है। अब होमोसेपियंस वो क्या है, स्पीसीज है, उसके अंदर इंडिविजुअल कौन है, सपोज मेरी फैमिली है, नेबर है, वो रिलेटिव्स है, तो ये सारे क्या हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए। तो ये स्पीसीज के अंदर जो भी इंडिविजुअल्स रहते हैं वो लोग एक दूसरे से इंटरप्रेट भी करते हैं। एक प्रॉपर, एक ये ज्योग्राफिकल एरिया हो गया दैट इज द गांधीनगर, ये हो गया स्पीसीज और ये हो गया इंडिविजुअल, ये तीनों से मिलके हमारा क्या बनता है, पॉपुलेशन बनता है, ठीक है बेटा। अब यहां पे क्या होता है, जो पॉपुलेशन एक छोटे से एरिया में रहते हैं उनका साइज भी छोटा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोकल पॉपुलेशन। सपोज इस गांधीनगर के अंदर ये सेक्टर 21 है, सेक्टर 30 है, सेक्टर 23 है, तो ये सारे छोटे छोटे एरिया हुए, तो ये क्या हुए, लोकल पॉपुलेशन हो गए, ठीक है बेटा, ये लोकल पॉपुलेशन हुए। अब यहां से क्या होता है, जब ये लोकल पॉपुलेशन बहुत ही क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तो उनको हम लोग बोल देंगे दैट इज द मेटा पॉपुलेशन। ओके बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज द मेटा पॉपुलेशन। तो ये सब क्या हो गई, एक पॉपुलेशन इकोलॉजी हो गई, ठीक है। इट मींस दैट ऐसा इकोलॉजी जो पॉपुलेशन के जेनेटिक और इवोल्यूशन को लिंक करता है, ठीक है, पॉपुलेशन के जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को लिंक करता है। कौन किसका परदादा पर नाना इवोल्यूशन पूरे हिस्ट्री निकालते हैं, दैट इज द पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब जैसे ही ये पॉपुलेशन के बारे में पढ़ने के लिए मुझे अलग अलग वर्ड्स, दैट इज द अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द एट्रीब्यूट्स पढ़ना है, ठीक है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स है। फर्स्ट आता है कि पॉपुलेशन की साइज कैसी है, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी कितनी है। सेक्टर 21 में 100 है, सेक्टर 30 में सपोज्ड है 150, तो अलग अलग सबकी डेंसिटी होती है, ठीक है। तो वैसे ही कोई भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल, एक कोई भी स्पीसीज का इंडिविजुअल एक पर यूनिट एरिया में कितना रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम पीडी के फॉर्म में भी लिखते हैं। तो हम कैसे ये पीडी कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ रीजियन, इंडिविजुअल इन अ रीजियन, कोई भी गांव ले लो, कोई भी सेक्टर ले लो, ठीक है, ले लिया। अब दैट इज द साइज ऑफ यूनिट एरिया, एरिया साइज ऑफ यूनिट एरिया, ठीक है। सपोज यहां पे 100 लोग हैं और ये कितने में, 100 स्क्वायर मीटर में इतने लोग हैं सपोज, तो ये हमारा क्या हो गया, डिजिट हो गया। तो हम इसको पीडी को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन साइज ऑफ यूनिट एरिया इन अ रीजियन। ओके, ये हमारा फर्स्ट पहला पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है। सेकेंड आता है, सेकेंड एट्रीब्यूट आता है बेटा, दैट इज दी बर्थ रेट। अब जो 100 है वो 100 के 100 तो नहीं रहेंगे, कोई बर्थ होगा, कोई डेथ होगा, ठीक है। तो जो बर्थ रेट होता है उसके लिए बायोलॉजिकल वर्ड है दैट इज दी नेटैलिटी, याद रखिएगा, उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं दैट इज दी नेटैलिटी। तो नंबर ऑफ बर्थ कोई भी एक यूनिट में, पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम में
कितने न्यू इंडिविजुअल आ रहे हैं, कितने न्यू इंडिविजुअल आ रहे हैं यानी कि न्यू बर्थ हो रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द नटालिटी। सपोज मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ बेटा, एक पॉन्ड है, ठीक है, हम लोगों ने एक पॉन्ड बनाया है, यहाँ पे क्या था 20 लोटस के प्लांट थे, रिप्रोडक्शन हो गया तो 8 न्यू हो गए और आज की तारीख में 8 न्यू हो गए तो 28 लोटस प्लांट आ गए, ठीक है। अभी के टाइम पे कितने पॉपुलेशन है, कितनी है, दैट इज द 28 है। तो बर्थ रेट कितना हो गया, हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो हमारा कितना रेट हुआ, 8 हुआ और पहले कितने थे, 20 थे, तो 8 बढ़ गया, तो दैट इज द 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, ठीक है। तो हम इस तरह से इसका नेटालिटी रेट फाइंड करते हैं, ओके बेटा। अब वैसे ही इसका अपोजिट आ जाता है, क्या आएगा, दैट इज द डेथ रेट, ओके, डेथ रेट। और नेटालिटी वर्ड यूज नहीं करते हैं हम लोग इसके लिए, नेटालिटी की जगह हम लोग उसके लिए यूज करते हैं दैट इज मोर्टालिटी, मोर्टालिटी, ओके। ऐसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, हट जाते हैं कोई एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम पे, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल इसका भी लेते हैं, पर ये ऐसा कोई नहीं, एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से भी होता है, कोई किसी को खा जाता है, कोई किसी का शिकार बन जाता है, तो उसके हिसाब से भी वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। एक हम लोगों ने लेबोरेटरी में पॉपुलेशन को ग्रोथ किया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने काउंट किया है किस तरह से, ओके। अब यहाँ पे लेबोरेटरी पॉपुलेशन में एक 40 इंडिविजुअल्स है, ओके, उसमें क्या हो गए, जो चार जो फ्रूट फ्लाई यानी हम लोगों ने पढ़ा है फ्रूट फ्लाई किसको बोलते हैं, ड्रोसोफिला, ठीक है, वो क्या हो गए, डेथ हो गए, मर गए हैं, ठीक है। तो कितने बचे उसमें से, हो गए तो कितने हो जाएंगे, 36 बचे बेटा। तो हमें डेथ रेट क्या था, 4, टोटल पॉपुलेशन पहले कितनी थी, 40, गॉट इट। तो हमारे पास क्या आ गया, 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, इसके हिसाब से ये लोग डेथ रेट हम लोग ऐसे करते फाइंड। अब वैसे ही बेटा, सॉरी, फर्स्ट था पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी, सेकेंड था बर्थ रेट, थर्ड था डेथ रेट, और फोर्थ एट्रीब्यूट आता है दैट इज द सेक्स रेशियो, कि कितने मेल है कितने फीमेल है उसके हिसाब से। मेल और फीमेल कोई भी एक पॉपुलेशन में क्या है, उतना हम ये सेक्स रेशियो निकालते हैं, द नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल पर 1000 इंडिविजुअल। सपोज 1000 इंडिविजुअल का एक पॉपुलेशन है, उसमें 300 सपोज मेल है, ठीक है, तो कितना बचता है, दैट इज द 600 कितना, सॉरी 700 कितना है, दैट इज द फीमेल। तो ये हमारा सेक्स रेशियो हो गया, ओके। तो इसके हिसाब से ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स होता है। तो वैसे ही हमारा बेटा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज एज पिरामिड, एज पिरामिड। पिरामिड के हिसाब से हम लोग सारे पॉपुलेशन की एज डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है जो पॉपुलेशन होता है वो बहुत सारे इंडिविजुअल से बना होता है, वो इंडिविजुअल कोई भी एजेस का हो सकता है। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हम लोग एक पॉपुलेशन का करते हैं उसको बोलते हैं एज पिरामिड, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने एक पिरामिड बनाया है, ह्यूमन का ही बनाते हैं, ठीक है। अब ये सेक्टर 20 में हम लोगों को पता है कि पूरे ह्यूमन है, पर हम ऐसा बोलते हैं कि ये 80 एज के लोग इतने हैं, 80 तो नहीं लेते हम लोग, सपोज हम लोग लेते हैं 40 एज वाले, ठीक है। फिर हम लोगों ने लिया कि ये 50 एज वाले इतने हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने लिया ये 60 एज वाले हैं, फिर हम लोगों ने लिया कि ये 80 है और ये 90 है। तो है क्या, ह्यूमन पॉपुलेशन है, पर एजेस के हिसाब से मैंने उसको डिटरमाइन किया है। तो ये मैंने क्या बनाया है, दैट इज द एज पिरामिड, ओके, एज पिरामिड ऑफ एन ह्यूमन पॉपुलेशन। जैसे हम लोग मेल और फीमेल का एज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इसके हिसाब से करते हैं, ठीक है, कि कौन रिप्रोडक्शन के साइड में है, कौन प्री रिप्रोडक्टिव है और कौन पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। तो वैसे ही एज पिरामिड के तीन मेजर पोर्शन डिवाइडेड है। पहला आता है दैट इज द एक्सपांडिंग, ठीक है। सेकेंड इज दैट इज स्टेबल, एंड द थर्ड इज
दैट इज डिक्लाइनिंग। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोगों ने करा है। अब एक्सपांडिंग यानी कि इस तरह से ये एक्सपांड हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोगों ने बोला है ये एज पिरामिड है। ओके, स्टेबल, स्टेबल यानी इतना डिफरेंस नहीं आएगा, ये जो इतना डिफरेंस आया है इतना डिफरेंस नहीं आता है, स्टेबल में ऐसा ही है। समझ रहे हो कि करीबन यहां पे सपोज ये 100 है तो यहां पे 80 हो जाएगा, यहां पे 65 हो रहा है, यहां पे 40 हो रहा है और यहां पे 10 हो गया, कितना सारा डिफरेंस है। यहां पे 100 है तो ये 95 है, ये होगा 89, ये होगा 75, तो इतना डिफरेंस है, ये स्टेबल ही रहता है, ज्यादा फर्क नहीं है। डिक्लाइनिंग यानी कि पहले क्या था, इस तरह से प्रोसेस थी, ऐसा था, फिर ऐसा आ गया, फिर ऐसा आ गया, इस तरह से। ठीक है, पहले 80 थी, फिर 60 हो गया, अचानक से बढ़ के ये 95 चला गया और फिर होके इसने ये 45 में होके 20 हो गया। तो डिक्लाइनिंग, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, डिक्लाइन होता जाता है। तो एज पिरामिड हम लोगों ने इस तरह से इसको डिटरमाइन किया है। ओके बेटा, अब आता है दैट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, कोई भी स्पीसीज का एक स्टेटिक पैरामीटर नहीं होता है। ठीक है, एक स्टेटिक वे से वो ग्रो नहीं करेगा कोई भी स्पीसीज। ठीक है, उसका जैसे कि एज होता है 1 to 10 एज में फटाफट हम ग्रोथ करते हैं, फिर 18-19 पुबर्टी एज आता है तो ग्रोथ होता है, फिर 20-21 में ग्रोथ होता है, फिर एक स्टेबल हो जाता है। तो इनका, हम लोगों का पॉपुलेशन ग्रोथ किस किस वे पे डिपेंड होता है कि भाई लोगों को खाना कैसे मिलता है, तुम लोग अच्छे से खाना खाओगे तो तुम्हारा बॉडी क्या होगा उस हिसाब से ये डेवलप्ड करेगा। तो फूड की अवेलेबिलिटी कैसी है, ठीक है, कोई फॉरेस्ट एरिया है तो उसमें शिकार लोग कितना कर रहे हैं, प्रेडेशन कैसा है, प्रेडेशन का प्रेशर कितना है उसके हिसाब से होता है। फिर वेदर भी किसी किसी को नहीं फेवरेबल होता है तो वो डेथ हो जाती है, तो एडवर्स वेदर का भी हम लोग एक दे सकते हैं रीजन। ठीक है, फिर माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हैबिटेट का होता है, जब उनको नहीं पसंद आता है तो कुछ टाइम के लिए वो लोग हैबिटेट चेंज कर देते हैं। तो ये सारे पॉपुलेशन ग्रोथ होते हैं, वो कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी वजह से किसी वो डिपेंड होते हैं। फर्स्ट उसका उनका जो मैंने बोला कि नेटालिटी, नेटालिटी यानी कि दैट इज द बर्थ रेट। ठीक है, नेटालिटी को हम लोग बोलते हैं दैट इज द बर्थ रेट। अब नेटालिटी रिफर्स टू दी, नेटालिटी क्या होता है, जो बर्थ होता है एक गिवन पीरियड में कोई भी पॉपुलेशन का, वो एक ऐड हो जाता है जो पहले की डेंसिटी थी, अभी 40 थी तो प्लस कोई 8 इंडिविजुअल आया तो अभी क्या हो गया, वो ये 8 किस में हो गया, पहले की इनिशियल डेंसिटी में ऐड हो गया, तो अभी टोटल पॉपुलेशन क्या हो गई है, दैट इज दी 48 हो गई है। तो वैसे ही ये सेकेंड आता है हमारा दैट इज मोर्टैलिटी, डेथ रेट। ठीक है, 40 था उसमें से 8 लोग चले गए, 32 बचा, तो इनिशियल डेंसिटी में से ये डेथ वाला माइनस हो जाता है। ठीक है बेटा, वैसे ही थर्ड आता है दैट इज इमिग्रेशन। याद रखना ये इमिग्रेशन क्या वर्ड है बेटा, इमिग्रेशन का मीनिंग है कोई भी इंडिविजुअल सेम स्पीसीज का उस हैबिटेट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टाइम पे उसको आ जाता है, वो अंदर एंटर हो जाता है, उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। सपोज गुजरात है, ठीक है, गुजरात में क्या है, दिल्ली के लोग आ चुके हैं, सोच लो दिल्ली में से कोई भी 10 लोग आ चुके हैं, गुजरात की पॉपुलेशन 100 थी, दिल्ली से 10 लोग आ गए तो इन्होंने क्या करा, इमिग्रेशन करा, यहां से आए, तो दैट इज द इमिग्रेशन हुआ, ध्यान से समझना। अब दिल्ली की पॉपुलेशन पहले कितनी थी, यहां पे 200 थी, ठीक है, पर 10 लोग गुजरात चले गए तो यह दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी हो गई बेटा, दैट इज द 190 हो गई। तो वो दिल्ली में से निकल चुके ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे, इस वर्ड के लिए हम लोग बोलेंगे दैट इज द इमिग्रेशन।
तो ये 190 हो गया। अब ये जो 190 हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द इमीग्रेशन। ठीक है, जो जिस जगह से निकल जाता है उसको बोलते हैं इमीग्रेशन, और जो जिस जगह में ऐड हो रहा है वो हुआ इमीग्रेशन। तुम लोग हमारे स्कूल में आ रहे हो तो इमीग्रेशन, अपने घर से जो निकल गए हो तो हो गया ये इमीग्रेशन। क्लियर? थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट है, ध्यान से समझिएगा। ओके, तो बेटा ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हम लोगों ने ये सारे एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, ठीक है, तो वैसे ही हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी एंड क्या है हमारा, दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, वो हम कैसे कोई भी एक जगह का पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड कैसे करेंगे कि कितनी पॉपुलेशन है, ध्यान से समझना। एंड क्या है, हम लोगों ने एक यूनिट पे पर यूनिट टाइम पे हमने देखा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया दैट इज दी डेंसिटी एट टाइम, हम लोगों ने लिया 1, दैट इज अ टी प्लस 1। अब एंड क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी टी टाइम है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे फाइंड करने के लिए कितना बर्थ हुआ, ओके, प्लस आई, दैट इज दी बर्थ प्लस इमिग्रेशन, कितने बर्थ हुए, सपोज 10 बर्थ हुआ है, 10 लोग आ चुके हैं कहीं बाहर से, और माइनस हम लोगों ने क्या करा है इस बर्थ में से कितने ऑफ हो गए हैं, ठीक है, डेथ, और कितने उस जगह को छोड़ के चले गए। वहां पे सपोज 8 लोग की डेथ हो चुकी है और इमिग्रेशन यानी बाहर सपोज 2 लोग चले गए, तो ये कितनी पॉपुलेशन मुझे बताएगी, सपोज ये 10 10 है तो ये 20 माइनस 8 प्लस 2 10, यानी मेरा टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी 10 ही हुआ। गॉट इट बेटा? तो इस तरह से हम लोग एक पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड करते हैं। वैसे ही यही पॉपुलेशन ग्रोथ के अलग अलग मॉडल होते हैं कि हम किस तरह से अलग अलग तरीके से फाइंड करते हैं। ओके, पहला जो ग्रोथ मॉडल आता है वो होता है दैट इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, ध्यान से समझना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, ध्यान, हम लोगों ने जैसे 2 raised to 3 बोला है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, और इसको बोलते हैं बेस। ये आप लोगों ने मैथ्स में 7th-8th standard में पढ़ा है इतना, तो ये ऐसे ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि बहुत ही फास्ट। 2 है छोटा डिजिट पर एक्सपोनेंट 3 लग गया है तो बेटा कितना बड़ा डिजिट बन गया, 8। 4 raised to 3 ठीक है हम लोगों ने बनाया तो क्या हो जाएगा, दैट इज द 64। तो 4 कितना छोटा और 64 कितना है, एक्सपोनेंट के वजह से ग्रोथ कितना हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो वैसे ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम देखते हैं ये है क्या। अब यहां पे ध्यान से समझना, देखो जैसे कि हम लोगों ने एक्सपोनेंट ग्रोथ मैंने बताया कि छोटा डिजिट का बड़ा डिजिट बन गया, बहुत ही ज्यादा हमें फूड खाना और स्पेस मिलेगा तो पॉपुलेशन क्या करेगा, इजीली बहुत मजे से रह सकता है, खाना पीना उसको जगह मिल रही है, मजे से रहेगा, मजे से रहेगा तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी बेटा, हमेशा क्या हो जाएगी, इंक्रीज्ड होगी, बढ़ेगी। तो अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी, अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट रिसोर्सेज, दैट इज द फूड एंड स्पेस, इट रिजर्व्स द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके, अब कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है पॉपुलेशन की डेंसिटी एक यूनिट टाइम पे, वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, मुझे इतना बड़ा पॉपुलेशन दे रखा है, इतना यूनिट दे रखा है, कभी पॉपुलेशन 100 हो रही है, कभी 1000 हो रही है, कभी वापस 900 पे आ रही है, तो मुझे ये कैलकुलेटेड करना है कि इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा किस तरह से है, तो मुझे एक इक्वेशन दे दो तो मैं उसको फटाफट फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो उन लोगों ने एक ऐसा इक्वेशन दिया है दैट इज द dN/dt। ठीक है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, BD ऐसा, बी दैट इज द बर्थ रेट, डी इज द डेथ रेट, और एंड जो हम लोगों ने बोला पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अब ये जो dN/dt है उन लोगों ने उसको एक फॉर्म दे दिया है, दैट इज दी, हम उसको ऐसे लिख सकते RN। एन क्या था, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, और R जो बताया है सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इंट्रेंसिक रेट, किस रेट से ये बढ़ रहा है, यही फाइंड हमें करना है, किस रेट से बढ़ा, 100 से लेके वो 1000 में चला गया, 1000 से लेके 900, तो इसके बीच में जो रेट है वो था हमारा आर, किस रेट से ये बढ़ रहा है, इंट्रेंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीजेस। तो ये जो आर होता है वो किस पे इफेक्ट होता है, कभी कभी वो इट इफेक्ट्स ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स,
ठीक है, बायोटिक यानी कि प्लांट्स एनिमल्स एंड अबायोटिक यानी टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, इलाइट, इन सब के फैक्टरों की वजह से पॉपुलेशन को अफेक्ट होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ तभी अफेक्ट होगा बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से। तो वैसे ही सारे ऑर्गेनिज्म का ये जो आर की वैल्यू होती है अलग अलग होती है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल बोला हुआ है कि जो नॉर्वे रेट है उनका ये जो आर का वैल्यू था 0.015, ठीक है। और एक बीटल है, छोटे से कीड़े होते हैं, उन लोगों का रेट उन्होंने 0.12 बताया। तो ये जो इक्वेशन हम लोगों ने बताई हुई थी वो क्या करता है, ये इक्वेशन को यदि मैं ग्राफ में लेके जाती हूँ तो ग्राफ मेरा इस तरह से बनता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ कैसे बनता है वो आपको ये ग्राफ भी पढ़ना है बेटा, ग्राफ कैसे भी करके क्लियर करना ही है, ठीक है। मैं जब पूछूंगी तो ग्राफ चाहिए मुझे। तो ग्राफ क्या है, हमेशा जे शेप का बनता है, ऐसा बोला है, जे शेप का। ये इक्वेशन के हिसाब से मैंने ग्राफ बनाया है, तो जे शेप का बनता है। और ये शेप मेरे को बताता है कि कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है और डिक्रीज्ड हो रही है, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है, दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, ये जो मेरी एक्सिस बता रही है। और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये टाइम, ये मेरा दैट इज द एक्स एक्सिस बताता है। समझ में आया? ओके बेटा, तो वैसे ही ये वाली इक्वेशन को मैं इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखती हूँ। तो एन टी एन जीरो ई आर टी, ठीक है। अब ये आया एक्सपोनेंट में बेटा, तो वैसे एन टी क्या था, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, एक टाइम के बाद, छह महीने के बाद कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी हुई, छह महीने से पहले कितनी पॉपुलेशन थी यानी एट टाइम जीरो। इंटीग्रेशन रेट कितना बढ़ चुका था जो मैं हम लोगों ने अलग अलग 0.12 ये सब फाइंड किया। और ई क्या है, हमारा बेस है, नेचुरल लॉगरिथम में बोला जाता है, ठीक है। तो हमें इतना पता चला कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है उसके लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेस होना जरूरी है, ठीक है, जिससे वो बहुत ही फास्ट पॉपुलेशन कर सके। शॉर्ट टाइम में ही पॉपुलेशन डेंसिटी एक एनर्मस, एक बहुत ही बड़े जगह पे जाके पहुंच जाता है, ठीक है बेटा, समझ में आया। तो वैसे ये आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की ना, तो ह्यूमन की पॉपुलेशन की रेट है 0.0205, ये हम लोगों ने 1981 में फाइंड किया था। अगेन समझ में आ गई बेटा। अब देखो ये एक्सपोनेंट बोला ना, पता चला। वैसे लॉजिस्टिक पता है, मैं लॉग केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ा होगा, लॉग टू लॉग वन ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि लॉग टू है 0.0141, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब लॉग वन क्या है, 0.0173, ऐसा समथिंग है, ओके। तो वैसे ही हम लॉग, अब वैसे ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ गया है, तो वैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ का सेकेंड ग्रोथ कर्व आता है, दैट इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ। सेकेंड ग्रोथ आता है, दैट इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ। अगेन अब ध्यान से सुनो, अब लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है बेटा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या है, बहुत सारा, इतना सा बड़ा सा स्पेस है और वहां पे ऑर्गेनिज्म इजीली सरवाइव कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, रह रहा है, उसको आराम से स्पेस भी मिल रहा है, फूड भी मिल रहा है। पर बेटा इतना सा एक एरिया है और यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत सारे हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग, इंडिविजुअल बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो इन लोगों के बीच में क्या होगा, खाने के लिए लड़ाई होगी, जगह के लिए लड़ाई होगी, क्योंकि उनके पास लिमिटेड स्पेस एंड लिमिटेड फूड है। तो इन लोगों के बीच में क्या आना शुरू हो जाएगा, दैट इज द कॉम्पिटिशन आना शुरू होगा कि भाई किस, मुझे खाना चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे जगह पे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वही ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रह पाता है जो उस हैबिटेट को एक्सेप्ट करता है, उतने ही खाने और उतने स्पेस में रह सकता है, जी सकता है, अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, जो इतने ही एरिया में अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, कॉम्पिटिशन कर सकता है सारे इंडिविजुअल के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द सर्वाइवल ऑफ फीटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फीटेस्ट, याद रहेगा बेटा, सर्वाइवल ऑफ द फीटेस्ट, ठीक है। तो हम लोग कोई भी एक गिवन हैबिटेट होता है उसमें एक इनफ रिसोर्सेस
टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, जहां पे वो अपना ग्रोथ फर्दर पॉसिबल हो सके वैसा वो करता है, वो उसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फीटेस्ट। ठीक है, अब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जहां पे आप सपोज इतने एरिया में ये लोग इतने 10 लोग रह रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उस 10 लोग में इतने ही एरिया में रह रहे हैं, दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी फॉर दैट स्पीसीज इन दैट हैबिटेट। उस स्पीसीज की कैरिंग कैपेसिटी इस हैबिटेट में इतनी ही है। ओके, इस हैबिटेट में सिर्फ 10 लोग ही रह सकते, उसकी कैरिंग कैपेसिटी इतनी है। तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ को समझाने के लिए, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ को समझाने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया है, और उस इक्वेशन का नाम है वर्ल्डवेस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, dN by dt, RN हम लोगों ने पढ़ा कैरिंग कैपेसिटी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कैरिंग कैपेसिटी। एंड क्या है हमारे पास, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम, दैट इज द टी। के क्या है हमारा, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, आर तो इंट्रेंसिक रेट है कोई भी नेचुरल इंक्रीजेस होने के लिए। वैसे ही हम लोगों ने यहां पे एक इसकी लॉजिस्टिक ग्रोथ को बताने के लिए हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, और वो ग्राफ इस तरह से शो करता है। ये लैग फेस है। ठीक है, ये जो इक्वेशन था ना वो हमारा यहां पे है, दैट इज दी dN by dt RN, और ये इक्वेशन का आपको ये लैग फेस, लैग फेस का मीनिंग होता है बेटा, देखो पहले पॉपुलेशन 10 थी, कंपटीशन होने लगा तो थोड़ा सा बढ़ भी गया, 10 से 12 हो गए, फिर वो क्या हो जाता है, एक स्टेबल स्टेज आ जाता है। तो ये सारे लॉजिस्टिक ग्रोथ अलग अलग फेजेस में जाते हैं, लैग फेज में चले जाते हैं। ठीक है, फिर जो हैबिटेट होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, शोज इनिशियली, ये लैग फेज नहीं है, इनिशियली एक क्या आ जाता है, एक लैग फेस आता है यहां से। ओके, फिर वो क्या होगा, ये सारे फेसेस क्या हो जाते हैं, एक्सेलरेशन यानी कि फास्ट बढ़ रहा है, फिर आ जाता है डिसेलरेशन, अब स्टैटिक हो गया है। ठीक है, अब वो फाइनली वो असिम्पटम्ड में आ जाता है, यानी कि अब स्टेबल हो गया, फिर आ जाता है दैट इज द स्टेबल। ओके, स्टेबल स्टेज में आ जाता है। तो पॉपुलेशन जो मॉडल हम लोगों ने बताया हुआ है, वहां पे कोई भी ग्रोथ क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के कंपेयर में यहाँ पे ये क्या कंपटीशन सबसे ज्यादा हो जाता है अपनी नीड्स को कम्पीट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस क्या है बेटा, कम है, फाइनाइट है, लिमिटेड है, वहां पे अनलिमिटेड था। तो वैसे ही दोनों में ये डिफ्रेंशिएट है कि एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड सोर्सेस है, जगह खाना पीना सब, यहाँ पे लिमिटेड है तो कंपटीशन होना शुरू हो जाता है। ओके, तो आप लोगों को इक्वेशन और ग्राफ सबसे इम्पोर्टेंट है, और बेसिक वो बताना क्या चाहता है, कौन लिमिटेड है कौन अनलिमिटेड है, वो थोड़ा सा आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज लाइक बटन को क्लिक करना ना भूलिए, और लिंक को शेयर करना नहीं। तो ये मैं आज का पार्ट 4 कंप्लीट करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट 5 लेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।